देश में टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA लगातार छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में 9 ठिकाने और दिल्ली में एक ठिकाने पर छापेमारी की गई। ये सभी ठिकाने मोहम्मद जफर अकबर भट्ट के हैं जिनके यहाँ छापेमारी की गई है। जफर भट्ट जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं। जफर भट्ट अलगाववादी सियासत में सक्रिय होने से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के उन कमांडरों में से एक थे जिन्होंने साल 2000 के दौरान केंद्र सरकार के साथ बातचीत में हिस्सा लिया था। बाद में सलाउद्दीन के साथ मतभेद पैदा हो गया और इन लोगों ने बंदूक छोड़ दी और सियासत में शामिल हो गए। आज सुबह NIA की टीम ने कश्मीर और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों का कहना है कि ये टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की गई है। NIA कई दिनों से मामले की जांच करने में लगी हुई थी। अब तक हुई जांच में जो सुराग मिले हैं उन्हीं के आधार पर ये छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई हिंसा में भी ये फंडिंग इन्हीं लोगों द्वारा की गई थी। फिलहाल NIA इन मामले में छापेमारी कर रही है जिससे इनके सभी ठिकानों का पर्दाफाश किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब केसरी ग्रुप दिल्ली।